अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। मैं हूं अजमल शाह। आज हम लोग श्रावस्ती जिले में आए हुए हैं, श्रावस्ती जिले के अंगुलीमाल गुफा, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और इसका इतिहास अगर हम पढ़ें तो ये एक डकैत था, अंगुलीमाल डकैत के वजह से ये मशहूर है ये गुफा। सुना जा रहा है कि कथित डकैत, कथित हम लोग इस वजह से ये कह रहे हैं क्योंकि वो डाकू सिर्फ कत्ल करने का उसका इतिहास सामने आता है, मगर लूटपाट जैसी घटनाओं के बारे में उसका कोई इतिहास नहीं है। क्योंकि जो कुछ लोग पुराने हैं और यहाँ का इतिहास बताते हैं तो उससे यह पता चलता है कि वो पढ़ने में ज़्यादा तेज थे, जिससे कि उनके जो क्लासमेट वगैरह थे और उनके गुरु थे वो जलते थे। तो गुरु ने गुरु दक्षिणा के नाम पर उनसे 1000 लोगों की हत्याओं मांगी कि 1000 लोगों की हत्या करो। उसने गुरु दक्षिणा देने के लिए ये प्रयास किया कि 1000 लोगों को हम मारेंगे और उनकी उंगली, एक उंगली काट के अपने गले में पहनेंगे। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और उन्होंने 999 लोगों की हत्याएं की और 999 लोगों की उंगलियां काट के पहनी। आज हमारे साथ यहाँ एक निवासी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस प्राचीन स्थल और गौतम बुद्ध जी का और कथित डाकू अंगुलीमल का क्या कनेक्शन और क्या इनका गुफा का और उसका क्या कनेक्शन है, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। ये गुफा का और अंगुलीमल डाकू का क्या कनेक्शन है और किस तरह का वो व्यक्ति था? देखिए, अंगुलीमाल जो व्यक्ति था वो केवल डकैत नहीं था, वो प्यारा था। वो अपने सापाठियों में बहुत तेज था पढ़ने के लिए, इसलिए जो है उसके जो सापाठी थे वो उससे जलते थे। तो उन्होंने अंगुलीमाल को फंसाने के लिए और गुरु से जो चालें चली तो उनके गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे 1000 लोगों का कत्ल करने को कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में। और उन्होंने 999 लोगों का कत्ल किया। जब वो लास्ट एक की छोड़ दिया, जब वो लास्ट में 1000वें का कत्ल करने पहुँचे तो एक तरफ से उनकी माँ आ गई और दूसरे तरफ से भगवान गौतम बुद्ध आ गए। तो उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध भगवान से तभी हुई थी क्या? जी, एक तरफ से वो गौतम बुद्ध ने कहा कि इस बुढ़िया को मारने से क्या फ़ायदा, तुम मुझे ही मार दो। और तुम एक लोगों को खुश करने के लिए, एक गुरु को खुश करने के लिए 999 के लोगों को दुखी कर रहे हो। बस यही दो शब्द भगवान बुद्ध के उसके दिल को बदल दिया और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का सच्चा शिष्य बन गया। अच्छा, तभी से उसने एक नया मोड़ अपनाया, अपना एक नया मोड़ अपनाया और तभी से वो गौतम बुद्ध का सच्चा शिष्य बन गया। ये क्या है, उसके नाम पर अंगुलीमाल गुफा है, उसके क्या है उसका कनेक्शन इससे? ये वही गुफा है जहाँ पे वो रहता था। अच्छा जी, ये घर था, बैठ गया है या कुछ? ये बैठ गया था, अभी इसकी जल से थोड़े दिन पहले ही मरम्मत हुई है इसकी फिर से। जी अच्छा, और जानते हैं यहाँ पर एक टेम्पल है, सुना जाता है और मान्यता है यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं, यहाँ पर 22 विदेशों से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर मानता है कि ये तीर्थ स्थल माना जाता है। और यहाँ पर कम से कम 22 वर्षों तक गौतम बुद्ध ने अपना उद्देश्य दिया। आगे भी जानेंगे कि गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर क्या इतिहास रहा है और क्या कनेक्शन उनका भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद जी। दोस्तों, आपसे जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम आपको इस मूर्ति के और मंदिर के दर्शन कराएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हमारे पैरों में कोरोना काल की बेड़ियां पड़ी हुई, जिसकी वजह से हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बस अपने कैमरामैन से हम ये चाहेंगे कि यहाँ से आपको उस मूर्ति की थोड़ी सी झलक
दिखा दी जाए, क्योंकि जितने आ रही है कुछ इधर उधर पेड़ लगे हुए हैं और बीच में बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है भगवान गौतम बुद्ध जी की, और उस मूर्ति का कलर गोल्डन रखा गया है, जिसे देखकर, और ये मूर्ति आप जब शरावस्ती के अंदर इंटर करेंगे वहीं से अपना ये ऊपर का जो मुकुट है उनका वो दिखना शुरू हो जाता है। और यहाँ की एक खासियत है, यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें ही इस मंदिर का और इस मूर्ति का अंदर, इसके ये मूर्ति सामने दिख रही है उसके अंदर राइट साइड पे जब अंदर जाएंगे आप तो वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जब दर्शन किया जाता है तो वहाँ पर ऐसा मानना है कि पाप सारे धुल जाते हैं। कैमरामैन जैद मलिक के साथ अजमल शाह।